यह चलती मैच के तुरंत बाद आज का प्रथम चक्र का तृतीय मैच मीर ब्रदर्स बनाम कल होना हो गदर थ्री के बीच, और दोनों टीम के टीम कप्तान आप ये जो मैच चल रही है प्रथम चक्र का दूसरा मैच बम बम बोले निश्चिंतपुर पीले ब्लैक बॉर्डर जर्सी पर और नीली जर्सी पर देख रहे हैं मीर कोरोमंडल एफसी की टीम है, और ये प्रथम हाफ का मैच चलता हुआ और 0-0 गोल रहित बराबरी पर मैच चलता हुआ और काफी आक्रमण दो तीन बार अब तक आक्रमण कर चुके हैं निश्चिंतपुर की टीम। अगला मैच मीर ब्रदर्स बनाम कल हो ना हो गदर थ्री के बीच मीर ब्रदर्स के टीम कप्तान और कल हो ना हो गदर थ्री के टीम कप्तान से आप को आगाह किया जा रहा है कि इस चलती मैच की समाप्ति के 2 मिनट पूर्व ही मेडिकल जोन पर चले आने की कष्ट करें। और आज का चौथा मैच पेरतोल एफसी बनाम साधु एंड साधु पेरतोल एफसी के टीम कप्तान आप भी अपना उपस्थिति कमेटी को दें, साधु एंड साधु के टीम कप्तान आप भी अपना उपस्थिति मंच पर दें। जनजाति उत्थान मंच आयोजक कमेटी के अध्यक्ष श्री बड़े भाई सिकंदर सुंडी के कोषाध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह भोईपाई और उप कोषाध्यक्ष श्री भगवान और बबलू भोईपाई जितने भी टीम के मेंबर्स है और सदस्यगण है कृपया आप कमेटी में आकर अपना सूचना दें और एक आकस्मिक बैठक रखी गई है इसलिए आप सबों से अनुरोध है आप मुख्य मंच पर चले आने की कष्ट करें।
यह चलती मैच के तुरंत बाद आज का प्रथम चक्र का तृतीय मैच मीर ब्रदर्स बनाम कल हो ना हो गदर थ्री के बीच, और दोनों टीम के टीम कप्तान आप आए हैं तो कृपया अपना लगुरा मेमोरियल फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आज पहला दिन, और इस तरह केरा बुरी तरह चकमा खा गई और तीसरा गोल करने में कामयाब बलबम बमबम। मेहमान अब आया संबोधन ची कमेंटेटर द्वारा आंखों देखा हाल है आयुम चिभू सीकेपी पेरन अब बड़े भाई और खेल प्रेमी अनाउंसमेंट लगे अब मुख्य मंच और इमकिन तनले अगला आंखों बेकाल आयु मिचिबु लगे तोमस बुईपाई तिकिन अबन नैन मंच रे एस पुरे पुरे हार्दिक अभिनंदन और जोर चलिए सूरज भाई भाई की तरफ से हेलो। चलिए तीसरी फास्ट दिन तरह लगातार तीसरी 20 सितंबर 2023 रिया प्रथम राउंड रिया दूसरा मैच रूप आता ना और तीसरी लगातार निकन गामा दिप ले बिना और मौसम रिया थोड़ी बहुत बढ़िए ना जगह ते मौसम बिना और तमाम नन फुटबॉल टूर्नामेंट स्वर्ग लादुरा ओ मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता ग्राम पांडाबीड़ यानी ठीक है बोल के ला फुटबॉल टूर्नामेंट पाते तमाम खेल प्रेमी को दर्शकों ऐसे संगीत संगीत हाथ हुए थे और ऐसे संगीत संगीत पाते बहुत ही बाग ना सभी को नेन कमेटी पर और पाते ऐसे पूरे एक दिन बोलते सुबिल दुहार और नेन मैच उन्होंने लगे और नेन टूर्नामेंट उन्होंने लगे अबेन जो भी दिसिंग राष्ट्रीय ब्रेन प्लेयर को अभी नेन टूर्नामेंट रे बु प्रतियोगिता रे बु भाग हुई तरह मैच उन्हों आयर ते उन्हों में से अपन अपना उपस्थित ने मंच पर ते आउ अपना उपस्थित आउ बिना में जानकारी लगे ठीक है तो अपना टीम को सही सलामत पंडा बिड़े थे ऐसे मैदान पाक दिमाग का नजीक आ में ते जानकारी जब आउ बिना में धन्यवाद। चलिए दोनों टीम की अगर बात कहा जाएगा वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत एक बड़े टीमों से बिलोंग किए हैं कारवा मंडल एफसी 200 से पिछड़ रहे हैं और बम्बम बोले निश्चितपुर। चलिए आपको जानकारी होंगे ये दोनों टीम वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत एक अच्छे मैच खेले हैं और अधिकतर बड़े बड़े टूर्नामेंट के तहत अधिक से अधिक प्राइज अपने नाम किए हैं। चलिए अभी तक आपके पास भी कारवा मंडल एफसी काफी समय है ये फुटबॉल मैच है कहा नहीं जाएगा कुछ सेकंड कुछ मिनटों पर गोल पर भी कन्वर्ट हो सकती है अच्छी मौका प्लेंटी एरे के करीब आसपास यहाँ पर विकास हांसदा यहाँ पर रोम पास खेलने में सफल रहे हैं यहाँ पर अच्छी टाइमिंग लेने की दरकार था गोल एरिया से आपको प्लेसमेंट की टाइमिंग थी लेकिन साथ ही खिलाड़ी से इस वक्त वॉल खेलने की कोशिश जरूर किए थे लेकिन गेंद छुटी और कहने के विक्रम बातों का सिलसिला यूं ही चलते रहेगा। चलिए प्रथम चक्कर या तीसरा मैच उन्होंने लगा डबल बिन रेडी कर अबे मेरा वरदर्श बनामा कल हो ना हो का दर्तरी। चलिए मूवी भूल इंतर सर सानिधि वाला मूवी लेकिन आज रियल रेबू लेल को एकन प्लेयर को निकन फुटबॉल टूर्नामेंट रे और जो कहना बदलाव उपन जाना लेकिन वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट रे और लास्ट मैच हो बड़े बड़े टीम को तिबा करना
शरांडा एफसी बनाम मुर्मू ब्रदर्स देखने हेलो मिल रहे हम लोग का बनारपुर विधानसभा क्षेत्र से लेकर के तीस जमशेदपुर और चाईबासा विधानसभा क्षेत्र प्लेयर ने फुटबॉल टूर्नामेंट को सेवा करना और ठीक बोले बम बम बोले निशितपुर यानी यशु संगीत पारे प्लेयर को चांडी लेते को जो देसी का सब तीसरा गोल चलिए पहला गोल दागे थे पहचान है इसलिए लगता है मुझे इस तरह का फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किए जाते हैं हर फुटबॉल टूर्नामेंट पर चलिए आज गोल का बरसात हुई है लगता है मनोज ब्रदर्स की टीम बीपीजी टीम को 3-0 से हराया था इस बीच और एक बार टीम बने हैं आज ग्रुप ए से कौन सा टीम आज कौन सा ग्रुप से सबसे बेहतर मैच खेलेगी और अपने टीम के लिए अच्छे अच्छे मौके को अगर गंवाते हैं और निकालते हैं तो बेहतर रहेगा मौके को गंवाएंगे तो आपके टीम के लिए सीधे इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं इसलिए सबसे बेहतर रहेगा मैच के तहत आप अच्छे मैच खेलिए और अच्छे अच्छे गोल दागिए आपके टीम के लिए बेहतर होगा और संचालक बने हैं विकास हासदा अमृत डांग तुराम पारिया विकास खटेरा जैसे इस संचालक पर बने हैं काफी दूर का सफर तय किए आज मोटरसाइकिल का सफर तय करके आज निष्पांडावाड़ी के ऐतिहासिक मैदान पर जुड़ेंगे चलते मैच के करीबी इस वक्त देवा मुर्मू यादव के लिए जर्सी नंबर 13 चलिए टीम लिस्ट होगा शायद उपलब्ध करा देंगे और जितने भी टीम के प्लेयर या मैनेजर से निवेदन करना चाहूंगा आप लगभग लगभग मैच खेलने से पहले अपना टीम लिस्ट उपलब्ध करा देगा तो अपना टीम लगे एक विन घटा दिए इससे भी अगर बेहतर मैच खेलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए 2-3 के अंतर्गत को अपने टीम के लिए 2 घटाव जरूर कर सकते हैं अधिकतर वर्ल्ड कप फीफा के अंतर्गत बड़े बड़े मैच देखे हैं वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत 2-3 गोल विड्रॉ होता है तो आपके पास इस तरह का उम्मीद है विश्वास है आपके पास काफी भरोसेमंद प्लेयर है कोरोमंडल एफसी चलिए आज अपने होम ग्राउंड पर मैच खेल रहे हैं और इस वक्त टच क्रॉस कहा जाएगा लेकिन साथी खिलाड़ी तैनात नहीं विपक्ष टीम के कीपर काफी सूझबूझ के साथ इस गेंद को जाने दिया कोई खतरा नहीं चलिए बातों का सिलसिला यूं ही चलते रहेगा अगला मैच नौ लगे डबेन अभी नौ रेडी का डबेन कल हो ना हो गदर 3 बनाम मीरा ब्रदर्स चलिए अजय जगर साहब अपना लुतुरता बिटन देना लगभग लगभग अपन अपना खिलाड़ी को पूरी तरह से वर्म अप रीता को बन और चिलके ने मैच चबाओ आयर थे 2 मिनट या 5 मिनट आयर थे अपना प्लेयर को टच लाइन पर आओ को तेरा कोशिश है धन्यवाद कमेटी के लड़के अपना चलिए जो भी कमेटी के लड़के आप जो कमेटी के सदस्य जो भी आप अपना रजिस्टर पर देख लेंगे अपना बैलेंस कौन सा टीम आज एक ग्रुप से पैसा कितने दिए हैं और कितने बकाया है जो भी जिम्मेवारी लिए हैं दादा आप चले आएंगे मंच पर और तमाम यूट्यूबर बने हैं इनका भी परिचय लेना चाहूंगा कुछ मिनटों बाद चलिए जिस तरह का जानकारी मिले हैं हर मोबाइल हर के एंगल इस वक्त कैद की जा रही है चलिए पिंटू बोधरा बने हैं चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के एक हर टूर्नामेंट पर एक अलग पहचान बना चुके हैं और जो इस फुटबॉल टूर्नामेंट पर नहीं बने हैं पांडापेड स्वर्ग लादुरा हो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता पर वो फिर समय अपना यूट्यूबर के द्वारा या एंड्रॉइड फोन के द्वारा यूट्यूब के द्वारा उनके चैनल पर अगर ईमेल डालेंगे तो पूरे इस मैच का लाइव का टेलीकास्ट से उनको बिल्कुल नजर आएंगे और कई दर्शक नहीं पहुंचे हैं अपने साथी दोस्त को फोन के माध्यम से भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे पिंटू बोधरा संजय ब्रदर्स चकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यूट्यूबर भी बने हैं संजय ब्रदर्स के चैनल पर भी आप ईमेल लगा सकते हैं और एक बड़े भाई भी
बने हैं उनका कुछ ही मिनटों बाद मैं इस माइक्रोफोन के तहत निवेदन करना चाहूंगा। समय के साथ बदलना बेहद जरूरी है और आज एक जमाना अगर बात कहा जाएगा, एक समय पर खस्सी बेड़ा का ही फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जाता था लेकिन खाली पाओ, और जब से वर्ल्ड कप फीफा के अंतर्गत जो मैच हुई है काफी सुधार हुई है, चाहे खेल में काफी परिवर्तन हुई है, रेफरी संचालक की अगर बात कहा जाएगा काफी सुधार हुई है। अधिकतर एक जमाने पर क्रिकेट मैच खेला जाता था, अधिकतर आईपीएल के मैच से लेकर के सबसे अधिक क्रिकेट मैच पर इस तरह का रूल्स और नियम को देखने को मिलता था, लेकिन उन्हीं को फॉलो करके आज वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट पर एक फुटबॉल मैच देखने को मिला है और इसी के कारण इस फुटबॉल टूर्नामेंट पर भी काफी सुधार हुई है। चलिए टेकल हुई फॉल मिलेगा दादा, अच्छे संचालक विक्रम हांसदा के द्वारा आपके लिए गलत डिसीजन नहीं मिलेगी, आपके लिए परफेक्ट अच्छे डिसीजन आपको मिलने के मिलेगी। चलिए टीम लिस्ट फोर्थ पर बने हैं मंजीत उराव जर्सी नंबर 14 पर बने हैं, सुनील लोहार जर्सी नंबर 7 पर बने हैं, ये अपने टीम का एक भरोसेमंद प्लेयर है दादा जर्सी नंबर 7। ये वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं, ये रांची फुटबॉल जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट पर अपने नाम किए हैं और 2 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपए भी अपने नाम किए थे और उनको मेन ऑफ द मैच एक चमचमाती हुई हीरो होंडा मोटरसाइकिल भी मिला था, जिनको आज चकंदरपुर से चैबासा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तमाम दर्शक अगर इस वक्त बने हैं पांडा मीडिया शिके बोरकेला फुटबॉल टूर्नामेंट पर, तो ठीक इस वक्त सुनील लोहार जर्सी नंबर 7 ये खेले नहीं अभी तक, साइकिल से मोबाइल और मोटरसाइकिल भी अपने नाम किए हैं, इसलिए कहते हैं खेले नहीं, खेल का साथ कम समय पर अच्छे पढ़िए और अच्छे खेलिए, कहते हैं कम समय पर अच्छे खेलिए और अच्छे पढ़िए और आगे बढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अगला मैच आप भी रेडी रहेंगे, प्रथम चक्कर या तीसरा मैच कल हो ना हो गदर 3 बनाम मीर ब्रदर्स, आप रेडी रहेंगे। इस वक्त 3-0 से पिछड़ रहे हैं कोरोमंडल एफसी, चलिए काफी जूनियर फील्डर है, चलिए जितने भी टीम अभी भी आए हैं मैच खेलने से पहले सभी टीम के कैप्टन और मैनेजर से निवेदन करना चाहूंगा कि अपना उपस्थित एक पर मंच पर आके उपलब्ध करा दें। चलिए स्वर्ग लादुरा हो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता इन कमेटी परिवार सदस्य को अपने जरूरत बंदना ने मंच पर बहु हुजुए महाराज आज अगर बिठान तान किया कमेटी जितना भी सदस्य को बिना अब निबंधित फुटबॉल टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज करा उसका जगह को बिना गया शायद इना में तब जो पैती को बिना इना को बने इनका वो पूरे इतने वो कोशिश किया, धन्यवाद। चौथा मैच चुनू बना पेरतोल फुटबॉल क्लब बना साधु एंड साधु, अंतिम मैच चुनू बना सरंडा एफसी, चलिए मनारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत है कि सोनो प्रकट के टीम होंगे और एक टीम होंगे मुर्मू ब्रदर्स, चलिए चकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के एक टीम होंगे और सभी विधानसभा क्षेत्र के टीम आज इस फुटबॉल टूर्नामेंट पर पार्टिसिपेट किए हैं और कल देखना ना भूलेंगे, कल ग्रुप बी से भी अच्छे अच्छे टीम इस फुटबॉल टूर्नामेंट पर नजर आएंगे। आपके टीम के लिए घटाओ तो नहीं, यहाँ पर एक रिकॉर्ड बन सकती थी जरूर, यहाँ पर फुल टन माजी चक्कर में देने की कोशिश, आज थोड़ी बहुत रिमझिम बारिश हुई है, कंट्रोल के तहत मैच को खेलने होंगे, इतने कंट्रोल के तहत अगर मैच को खेलते हैं जगह लेकर के मोमेंट लेकर के अगर अधिकतर खेलते हैं तो अधिकतर मौके बन सकते हैं, सबसे बेहतर रहेगा मैच के तहत आप अच्छे अच्छे गोल दागी आपके लिए बेहतर रहेगा, और सुपर ओवर पेनल्टी शूट आउट के करीब अगर आपका टीम क्वालिफाई करते हैं तो आपको भरोसेमंद प्लेयर और अच्छे अच्छे प्लेयर भी पेनल्टी शूट आउट खराब की कर सकते हैं दादा, ध्यान दीजिएगा ये छोटे मोटे टूर्नामेंट नहीं,
ये पूर्वों से बड़े बड़े टूर्नामेंट के तहत से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना मैन ऑफ द मैच, बेस्ट कीपर और मैन ऑफ द सीरीज प्राप्त करने के लिए आपको बेहतर मैच खेले होंगे। फोकस करते हैं आज जिस प्रकार टाइम शीट बना गया है, 10 टीमों को मैच खेला जा रहे हैं हर ग्रुप से, अधिकतर हर टूर्नामेंट पर ये बड़े बड़े मैच खेला जा रहे हैं, इस कारण आज सभी टीम को अगर अच्छे मैच खेलेंगे तो एडवांटेज मिलेगी आपको, इसलिए दिल से मैच खेलिए और जो भी दिल से पढ़ने और खेलने वाले प्लेयर है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। पुनः प्रत्याशी नंबर 10 फुलचांद लेफ्ट पास क्रॉस हुई है और अब तक टीम के लिए यहाँ पर चौथे गोल हो सकती थी जरूर, गोल को कन्वर्ट कर पाते कि नहीं, और अब तक टीम के लिए हैट्रिक गोल डाक पाते कि नहीं, अगर हैट्रिक गोल डाकते तब तक टीम के लिए इस पंडाबेड़ फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 के लिए पहला खिलाड़ी बन सकते थे जरूर, एक इतिहास में यादव सामंत का नाम जरूर गूंजते। पुनः बार सुनील लोहार, ओह कोई दरकार नहीं था, पर दो प्लेयर साथ में थे, ग्राउंडेड पास जमीन की प्लेसमेंट की टाइमिंग की दरकार था, कोई दरकार नहीं था आपको पावर की। चलिए और खतरे का साथ और इसी के साथ मैच की समाप्ति।